हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो TMS में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर का डिफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, -1/2, -5/-6, 0/-1, ये सारा रैशनल नंबर है। आप देख सकते हैं P और Q दोनों इंटीजर है और Q मतलब नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं है। ऊपर वाले नंबर को यानी P को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर कहाँ से आया? द वर्ड रेशनल नंबर एराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशियो। हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं। अगर 1:2 होता था रेशियो में पिछली क्लास में, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते थे 1/2, जो कि एक रेशनल है। इसीलिए रेशनल नंबर जो है सो टर्म रेशियो से लिया गया है। तो आइए एक फिगर के ज़रिए हम लोग रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एन। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डब्ल्यू। इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जेड। जेड फॉर zahlen, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट यानी गिनना। फिर एक और नंबर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। फ्रैक्शन इस सारे का कलेक्शन कहलाता है रैशनल नंबर क्यू। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू फॉर क्वोशेंट। अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है क्वोशेंट, इसीलिए रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन, इन सबों का कलेक्शन रैशनल नंबर कहलाता है। मतलब सारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन को मिला दें तो ये सारा नंबर रैशनल नंबर का कलेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर की। पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करें तो कोई भी रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो तो वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/6, -5/4, -1/-3, ये सारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करते हैं। किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल -1/2, -5/6, 5/-4, 1/-3, ये सारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहते हैं? किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से 10/10। अब जो नया रैशनल नंबर मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी 1/2 के इक्विवेलेंट होगा। 1 × 10, 10
और 2 × 10 = 20। इसी तरह हम इसका इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता कर सकते हैं। एक और रैशनल नंबर लेते हैं 50/40, इसको डिवाइड करेंगे सेम नंबर से 5/5। अब एक नया रैशनल नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा 10/8। अब ये 50/40 और 10/8 दोनों ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, यानी दोनों ही इक्वल है। इसी तरह हम इसका भी इन्फाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके सेम नंबर से, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और या तो मल्टीप्लाई करके सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।